हम सबके आदरणीय, हम सबके लाडले सम्मानीय डॉक्टर भंवरलाल जी सर से निवेदन करूंगा, समग्र शिक्षा अभियान के राजस्थान के निदेशक और स्कूल शिक्षा के कमिश्नर हम सबके आदरणीय डॉक्टर भंवरलाल जी सर। लोक देवता श्री राला बाबा की धरती पर आयोजित इस कार्यक्रम में विराजमान आदरणीय जिला कलेक्टर टोंक चिन्मय गोपाल जी, एडीएम साहब प्रभाती लाल जी, एसडीएम साहब, सम्मानीय गुरुजन, समस्त ग्रामवासी, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे ग्रामवासियों को कि आज आपने एक पुण्य कार्य की शुरुआत की है और जिसमें आपके जो सरपंच साहब हैं जिन्होंने कि विद्यालय के लिए जमीन दान देकर एक अद्भुत पहल की है और इस पहल के साथ साथ आज जो मीणा जी जिन्होंने साथ में 5 बीसवा जमीन और देने का जो घोषणा की है, उन दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस पुनीत कार्य के लिए आगे आए। साथ ही में कलेक्टर मैडम को भी आप लोगों ने सुना और उन्होंने जिस इनोवेशन फंड की बात की, जो कि खास करके टोंक जिले में जैसा उन्होंने बताया कि महिलाओं की साक्षरता दर कम है और लड़कियों की शिक्षा के लिए जो उन्होंने एक इनोवेशन फंड की बात की और देखते ही देखते जिस तरह से यहाँ पर दानदाताओं ने जो घोषणा की, काफ़ी हर्ष का विषय है कि हमारे यहाँ इस तरह के भामाशाह आगे आते हैं और मौका लेते ही पुनीत कार्य में सहयोग करते हैं। तो मैं जिला कलेक्टर महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की पहल की और जो लड़कियों की शिक्षा के बारे में इन्होंने सोचा है वो बहुत ही अच्छा सोच उन्होंने किया है। साथ ही साथ में श्रीमाली जी ने कुछ सुझाव हमारे लिए दिए तो मैं निश्चित ही इन सुझावों को ध्यान में रखूंगा और देखेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर इस पर क्या किया जा सकता है। समस्त ग्रामवासी आज यहाँ विराजमान हैं। विद्यालय शिक्षा के बारे में अभी फिल्म के माध्यम से भी कुछ आपको बताया गया कि किस तरह से सरकार प्रयासरत है। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पर लगभग 68,000 स्कूलें हैं। सीमित संसाधनों के तहत ये कोशिश की जाती है कि सभी विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उसके बावजूद भी बहुत सारी कमियां रह जाती है और उस समय भामाशाहों का सहयोग बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि टोंक जिले ने जो आज उदाहरण पेश किया है वो राजस्थान में अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल रहेगी और बहुत सारे भामाशाह इस तरह से आगे आएंगे। भामाशाहों का सहयोग विद्यालयों में हमेशा मिलता आया है लेकिन ये एक अनूठी पहल है जिसमें जमीन दान दी है विद्यालय के लिए। विद्यालय भवन का जो निर्माण होना है उसमें कुछ घोषणाएं पहले ही हो चुकी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बचा हुआ कार्य हम लोग समग्र शिक्षा के तहत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी लोग विराजमान हैं, मैं कुछ बातें आपको शिक्षा से जुड़ी हुई कहना चाहूंगा कि सभी लोग बच्चों के फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। पेरेंट्स हमेशा इसी विचार में रहते हैं कि बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित किया जाए। हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं कि बच्चों के लिए प्लॉट लेके छोड़ देते हैं, जमीन लेके छोड़ देते हैं ताकि उनके आगे काम आएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा में कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं हो सकता है। आप कितनी भी धन और पूंजी उनके लिए एकत्रित करके रख लीजिए, अगर आपके बच्चे आगे जाकर शिक्षित नहीं हुए और उस धन पूंजी को संभालने के लिए योग्य नहीं हुए तो कितनी भी धन सृजन करना कम रहेगा। इसलिए आप सभी लोग इनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए, इनको पढ़ाइए और इनको योग्य बनाइए। ये खुद अपना मुकाम तय करेंगे और आप लोगों ने जो ये पहल की है उससे ये साबित होता है कि आप इस काम में पहले से ही सोच रहे हैं। मैं आप सबको एक बार फिर से
शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो उच्च प्राथमिक विद्यालय केवाड़ा जिसके लिए आज भूमि पूजन का भी कार्य किया, इसका भवन जल्दी से तैयार हो ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका शिक्षण नियमित रूप से यहां पर प्रारंभ हो सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे ग्रामवासियों को और खास करके हरिराम जी को जिन्होंने मुझे और कलेक्टर मैडम को इस कार्यक्रम में बुलाकर सम्मान दिया। धन्यवाद।